फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। ये कलरफुल बैग जो है वो मैं क्रिएट करना स्टार्ट करने वाली हूँ आप ही लोगों के सामने फ्रॉम द वेरी मोमेंट। मैं आप लोगों को प्रॉपरली एक्सप्लेन करना चाह रही थी पहले कुछ चीज़ों को, क्योंकि पिछला जो वीडियो मैंने वॉल हैंगिंग्स का डाला उसमें मैंने जल्दी जल्दी सारी चीज़ें बस गाइड कर दी थी, तो मुझे लगा कि थोड़ा एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन होना शुरू हो जाए अगर चैनल पे, तो अगर आप खुद भी बनाना चाहते हैं तो आप लोगों को बनाने में आसानी होगी। तो अगर आप लोग इस तरीके का कोई बैग क्रिएट करना चाहते हैं, डू गो अहेड, उठाइए कॉर्ड्स और बस साथ में आइए, स्टार्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले आइए मैं आप लोगों को अपना जुगाड़ दिखाती हूँ। ये है विंडो, उसमें मैंने एक हैंगर फंसा रखा है जिसमें हैंग करके मैं इस बैग को रेडी करने वाली हूँ। इसके बाद में मैं आप लोगों को कॉर्ड दिखा देती हूँ। ये जो ये कॉर्ड आप लोगों को दिख रही है, ये जो स्ट्रैप आप लोगों को दिख रही है, ये बैग की स्ट्रैप बन करके तैयार होने वाली है। तो इसको मैंने कुछ नहीं किया है, ये नॉर्मल आप जो चोटी नहीं बनाते हैं, जो ब्रेड बनती है, ये वो है। आपने बस दो दो करके, मैंने 6 कॉर्ड्स लिए हैं अलग अलग कलर्स में, यही सारे कलर्स थे जिन्हें मैंने मिक्स एंड मैच किया और उठा के मैंने बस चोटी की तरह से गुन दिया है दो दो डबल डबल कॉर्ड से। और लास्ट में मैंने इसमें ये इस तरीके से गांठ लगा करके छोड़ दिए कि आगे टाई करने में मुझे आसानी होगी। इसके साथ में मैंने ये एक येलो कलर की कॉर्ड और एडिशनल है जो फंसाई है। येलो कलर की कॉर्ड इस वजह से फंसाई है क्योंकि बैक के एंड जो है वो येलो कलर के हैं, तो जब हम बैक को स्टिच करेंगे, येलो कलर की कॉर्ड यूज करेंगे, तो हम लोगों की कॉर्ड जो है वो बहुत आसानी से ब्लेंड हो जाएगी और किसी को भी पता नहीं चलेगा कि हम लोगों ने इस्तेमाल किया है स्टिचिंग के लिए इस कॉर्ड को। सो ये दो चीज़ें जो हैं वो हैं। बहुत बेसिक सा बैग है इसमें। इसमें आपको 3 तरीके की नॉट्स बनानी है, स्क्वायर नॉट बनानी है, डबल हाफ इंच नॉट बनानी है और आपको इसमें बेरी नॉट बनानी है। तीनों नॉट्स मैं अभी आप लोगों को बना करके दिखा दूंगी। सबसे पहले हम लोगों को लॉक हेड नॉट्स देखनी है। लॉक हेड नॉट जो है वो सबसे जेनरिक नॉट है, वो हमेशा ही आपको लगानी पड़ेगी आप कुछ भी बना रहे हो। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना होता, जो भी आपकी कॉर्ड है उसकी जो भी लेंथ है आप उसको आधे में डिवाइड कीजिए ताकि आपको इस तरीके का एक लूप मिल सके ऐसा। अब इस लूप को आप पीछे की तरफ से इस तरह निकाल लीजिए, जिस भी चीज में आपको फंसाना है, चाहे आप वॉल हैंगिंग बना रहे हैं, चाहे आप जो भी बना रहे हैं, और उसके बाद में आप ये जो आप लोगों का कॉर्ड है इसे पूरा आप इसमें से निकाल लीजिए बाहर कुछ इस तरीके से। अब ये देखिए, ये हमारे पास ये लूप क्रिएट हुआ, हम इसे पुल करेंगे और ये हमारी लॉक्स हेड नॉट जो है प्रिपेयर हो गई। इस नॉट के ग्राउंड्स पे हम हर चीज को निट कर रहे होते हैं, तो ये नॉट जो है ये सीखना आपके लिए बहुत ही नेसेसरी है। नेक्स्ट अब मैं आप लोगों को स्क्वायर नॉट दिखाती हूँ, तो बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्क्वायर नॉट बनाने के लिए आपको 4 कॉर्ड्स की रिक्वायरमेंट है, कॉर्ड नंबर 1, 2, 3 और 4। स्क्वायर नॉट बनाते वक्त आप लोगों को बस इस चीज का ध्यान रखना है कि इस तरीके से इन दो कॉर्ड्स को, इन्हें आप वर्किंग कॉर्ड की तरह यूज करेंगे और ये दोनों जो है आपकी ये सेंटर कॉर्ड्स हैं, सो ये मूव नहीं करेंगी। अब ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड की कॉर्ड है, इससे आप ऐसे राइट हैंड की तरफ लाए, ये आपका एक 4 का शेप बन गया। फिर ये वाली जो आपकी राइट हैंड साइड की कॉर्ड है, इसे आपने इसके ऊपर रखा, ऐसे आप इसे पीछे ले गए और ये 4 वाला जो लूप है इसके अंदर से आपने कुछ इस तरीके से इसे बाहर निकाल दिया। ऑलराइट, सो यहां पे आप ये देख सकते हैं इस तरीके से। अब आप इन दोनों कॉर्ड्स को ऊपर की तरफ पुल करते जाइए, कॉर्ड जितनी आप टाइट कर देंगे नॉट उतनी अच्छी बन के तैयार होगी। अब नेक्स्ट आप इन्वर्टेड 4 बनाइए, राइट हैंड से इन्वर्टेड 4 बनाइए इस तरह, इसको इस तरह क्रॉस करके लेके आइए। इसके ऊपर आप ये राइट लेफ्ट हैंड साइड वाली कॉर्ड छोड़ दीजिए और फिर लेफ्ट वाली कॉर्ड को पीछे से लेकर के आइए, इस लूप के थ्रू निकाल लीजिए बाहर और कॉर्ड्स को, दोनों कॉर्ड्स को पुल कर लीजिए। ये हमारी एक स्क्वायर नॉट रेडी हो गई। हम ये एक स्क्वायर नॉट बनाते हैं, ये दूसरी स्क्वायर नॉट भी बना करके एक बार मैं आप लोगों को फिर दिखाती हूँ। ये हमने एक 4 बनाया, इसके ऊपर राइट हैंड साइड की कॉर्ड छोड़ी, राइट हैंड साइड की कॉर्ड को पीछे से लेफ्ट हैंड साइड की कॉर्ड के अंदर से लाए और इस तरह बाहर निकाल लिया और फिर इसे टाइट कर दिया दोनों साइड से। फिर हमने राइट हैंड साइड की कॉर्ड से एक इन्वर्टेड 4 बनाया, लेफ्ट को ऊपर किया, पीछे लेके गए और राइट हैंड साइड के लूप के अंदर से निकाल लिया बाहर इस तरीके से और फिर इसे ऊपर की तरफ ऐसे पुल कर दिया।
टाइट कर दिया, ये हमारी एक स्क्वायर नॉट बन गई। अब अगर कोई आपसे कहता है कि आपको ऑल्टरनेटिंग स्क्वायर नॉट बनानी है, तो आप ऑल्टरनेटिंग स्क्वायर नॉट कैसे बनाएंगे, इसका क्या मतलब है? ये दो स्क्वायर नॉट्स हैं आपके पास में, ऑल्टरनेटिंग स्क्वायर नॉट जो है वो इसकी कॉर्ड नंबर 3 और 4 और इसकी कॉर्ड नंबर 1 और 2 से बनेगी। दैट मीन्स बीच में आपको ये एम्प्टी स्पेस मिल जाएगा, और ये बाद में जब आप फ्यूचर में देखेंगे तो ये प्लस शेप, डायमंड शेप, जो भी आप कहना चाहें वो पैटर्न देगा। तो नॉर्मल स्क्वायर नॉट आप बनाएंगे, लेकिन बस कॉर्ड जो है दो इस साइड छोड़ दें। ये आपने पुल किया, इसे आपने टाइट किया, उसके बाद में आपने इस तरीके से इसे लिया, पुल किया, इसे लूप के थ्रू निकाला और इसे आपने टाइट कर लिया। ये आप देख रहे हैं, ये हमारी ऑल्टरनेटिंग स्क्वायर नॉट, इजी सिंपल। अब जो हमारी बेरी नॉट होती है वो स्क्वायर नॉट के ही ग्राउंड्स पे बन रही होती है, तो इसलिए पहले मैं आप लोगों को बेरी नॉट दिखा देती हूँ। बेरी नॉट में आपको करना क्या है, आपको स्क्वायर नॉट्स लगानी है, और स्क्वायर नॉट्स को आपको बस गिनते रहना है। जैसे आपने 5 बेरी नॉट्स बनानी है, तो एक बेरी नॉट में मान लीजिए आपने 6 नॉट लगाई, तो 5 बेरी नॉट में आप 6-6 स्क्वायर नॉट्स ही लगाएंगे, ना बढ़ाइए और ना ही घटाइए। तो ये हमने 8 स्क्वायर नॉट्स की एक नॉट प्रिपेयर कर ली है। अब हमें क्या करना है, ये जो सेंटर की नॉट है हमारी, ये इसे हमें सेंटर की जो कॉर्ड्स है इसे हमें ये जो गैप है इसके थ्रू बाहर निकालना है। सो इसमें ऐसे इंसर्ट किया और पीछे से आपने बाहर निकाल दिया। सो ये हमारी दोनों जो कॉर्ड्स हैं, सेंटर कॉर्ड्स हैं, ये पीछे से बाहर आ गई हम लोगों के हाथ में, और ये हमारी वर्किंग कॉर्ड्स थी। तो अब हम एक और स्क्वायर नॉट नीचे लगाएंगे। सो ये हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से लेकर के आए, टाइट लगाइएगा स्क्वायर नॉट, और ये हम राइट हैंड साइड की तरफ लेके गए। ये देखिए, और ये हमारी बेरी नॉट बनके तैयार हो गई। अब हम लोगों को बनानी है, सीखनी है हाफ हिच नॉट। इस बैग के लिए हम लोगों को तीसरी और आखिरी नॉट जो बनानी सीखनी है। अब हाफ हिच नॉट के लिए आपको रिक्वायरमेंट होती है वर्किंग कॉर्ड्स की। हम लोग वर्किंग कॉर्ड्स की तरह इन दोनों कॉर्ड्स को यूज कर लेंगे। अब हमें इस तरीके से पैटर्न लेकर के आना है। हम चाहते हैं यहाँ पे इन्वर्टेड री पैटर्न बन जाए इस तरीके से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से इस वर्किंग कॉर्ड को अपने राइट हैंड में पकड़ लेंगे। ये मेरा राइट हैंड है, इसमें मैंने पकड़ लिया। अब मैं इस वर्किंग कॉर्ड को छोड़ूंगी नहीं और इधर से अपनी कॉर्ड्स को यूज करना शुरू करूंगी। तो मैंने एक प्रॉपर 4 बनाया और लूप के थ्रू अपनी कॉर्ड को निकाल लिया और इसे टाइट कर दिया। दोबारा से 4 बनाया, ये सिंगल हाफ हिच नॉट हुई थी और ये हमारी डबल हाफ हिच नॉट बन के तैयार हो गई। दूसरी कॉर्ड ली, सिमिलर प्रोसेस रिपीट किया, 4 बनाया, टाइट कर दिया, 4 बनाया, लूप से निकाला और टाइट कर दिया, ओके। इसके बाद में हमने तीसरी कॉर्ड ली, 4 बनाया, लूप के थ्रू निकाला और टाइट कर दिया, 4 बनाया, लूप के थ्रू निकाला, टाइट कर दिया। ये देखिए, ये हमारा ये वी पैटर्न बनके तैयार हो गया। अब हम यहां से अपनी इस वर्किंग कॉर्ड को लेंगे और हमें इस तरफ इस पैटर्न को लेके आना है। तो हम लेफ्ट हैंड में इस कॉर्ड को पकड़ लेंगे, हमें ये कॉर्ड नहीं छोड़नी है, और प्रोसेस सिमिलर, इन्वर्टेड 4 बनाया, बीच से कॉर्ड निकाला और यहां पे छोड़ दिया, टाइट कर दिया। ये देखिए, कॉर्ड नंबर 2। आपको बस ये ध्यान रखना है, जो आपकी मेन कॉर्ड है उसे आपको हाथ से छोड़ना नहीं है, उसका एंगल मत बदलिए जब तक आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हो जा रही है। जब प्रैक्टिस प्रॉपरली हो जाती है तो ये होता है कि हमें ये याद रहता है कि किस एंगल पे थी, हम वापस उसको ले आएंगे उस एंगल पे। लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं अच्छे से हो जा रही है तब तक आप उसे छोड़िए मत। इस तरीके से हमने इसे टाइट कर दिया। अब ये देखिए, हमारे पास ये दोनों पैटर्न रेडी है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों कॉर्ड्स में नॉट लगाएंगे। ये देखिए, ये हमने लगाई 1 नॉट और ये हमने लगाई 2 नॉट,
और ये आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा एक पैटर्न बन के तैयार हो गया। सो ये हमने यहाँ पे सीखी स्क्वायर नॉट्स, बेरी नॉट और डबल हाफ हिच नॉट बनाना हमने इस वीडियो में सीखा है। अब इन तीन नॉट्स की हेल्प से इस बैग को कैसे प्रिपेयर किया जाएगा ये मैं आप लोगों को सिखाती हूँ। सो इस वक्त मैं स्क्वायर नॉट्स प्रिपेयर कर रही हूँ। बेसिक बॉडी जो है वो बैग की स्क्वायर नॉट्स की हेल्प से प्रिपेयर होगी। स्क्वायर नॉट्स आप चाहे सीधी सीधी रो में बनाना शुरू कीजिए या इन्वर्टेड ट्राइंगल शेप में, पूरी तरीके से आप पे निर्भर करता है। मुझे इन्वर्टेड शेप में बनाना थोड़ा कंफर्टेबल इस वजह से लगता है क्योंकि लेफ्ट हैंड की तरफ कॉर्ड्स उठाते जाने में आसानी हो जाती है। जब आप बनाना शुरू करेंगे तो आप लोगों को अपना कंफर्ट लेवल खुद ही आइडिया हो जाएगा किस तरीके का मैच कर रहा है। टॉकिंग अबाउट द लेंथ, मैंने कॉर्ड्स 3 meters ईच कॉर्ड है लेंथ कॉर्ड्स की, और मैंने 52 रोज क्रिएट की हैं स्क्वायर नॉट्स की, जिसके बाद में मैंने इन्वर्टेड ट्राइंगल शेप फ्रंट सेक्शन के लिए बनाना शुरू किया था। तो ये बेसिक बॉडी क्रिएट हो चुकी है बैक की। अब मैं एक इन्वर्टेड ट्रायंगल शेप क्रिएट कर रही हूँ जिसमें हर रो में मैं दो दो कॉर्ड्स दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे छोड़ती चलूँगी। एंड में मेरे पास में सिर्फ एक स्क्वायर नॉट बाकी बचेगी, जब वो लग जाएगी तो हम लोग दूसरी डिज़ाइन के ऊपर स्विच हो जाएंगे जो कि होगी आपकी डबल हाफ हिच नॉट, जो मैंने आप लोगों को अर्लियर गाइड की है वीडियो में। सो यहाँ आप देख सकते हैं मैं एक इन्वर्टेड ट्रायंगल शेप क्रिएट कर रही हूँ। अब इन्वर्टेड ट्रायंगल शेप बनने के बाद में बारी आती है डबल हाफ हिच नॉट की। मैंने डिटेल में बिगनिंग में आप लोगों के साथ में शेयर किया है कि डबल हाफ हिच नॉट जो है वो किस तरीके से लगाई जाती है। यहाँ पे बस मैं वही कर रही हूँ। दो रोज ऑफ डबल हाफ हिच नॉट जो है वो इस बैग में लगेंगी, जिसके बाद हम लोग बेरी नॉट्स लगाना शुरू करेंगे।
अब बारी आती है बेरी नॉट क्रिएट करने की। यहाँ पे मैंने 6 स्क्वायर नॉट्स बनाई और उसके बाद में उसके ग्राउंड्स पे बेरी नॉट को प्रिपेयर किया, और मैंने सारी की सारी बेरी नॉट्स जो हैं वो 6 स्क्वायर नॉट्स के ग्राउंड्स पे ही प्रिपेयर की थी। 6 या 8 मैक्सिमम नंबर रखिए, इससे ज़्यादा या इससे कम में ज़रूरत से ज़्यादा छोटी या ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी हो जाएगी आपकी बेरी नॉट। तो बस मेक श्योर कीजिए कि आपका पैटर्न जो है वो अच्छा लगना चाहिए आपके बैक के हिसाब से। अब ये मेरा फेवरेट सेक्शन है, दैट इज़ द ट्रिमिंग सेक्शन, क्योंकि इसके बाद में मुझे एक आइडिया लगना शुरू हो जाता है कि हाँ भाई फाइनली बैग जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और इस बैग को क्रिएट करने में मुझे 3 घंटे लगे, सो इट वॉज़न्ट लाइक अ ह्यूज प्रोजेक्ट आई वुड पर से, बट हाँ मज़ा आई बनाने में, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा और कलर्स के साथ में ना वर्क करने में थोड़ा ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, बस हम लोग बैग की मेजरमेंट्स को देख लेंगे और हम लोग उसके बाद में बैक को स्टिच कर लेंगे। साइड में जो हम लोगों ने कॉर्ड छोड़ी थी येलो वाली, उसकी हेल्प से हम लोग बैक को स्टिच करेंगे। एंड स्टिच करने के लिए भी मैंने एक अलग ही जुगाड़ लगाया, दैट वाज कि मैंने एक हेयर पिन ली, उसमें फंसा करके, मतलब नीडल नहीं थी मोटी वाली मेरे पास में, तो उसमें फंसा के मैंने यूज़ कर लिया। तब जुगाड़ लगाने में तो आप किसी भी चीज़ में लगा सकते हो ना, तो मैंने स्टिचिंग के लिए भी जुगाड़ लगा करके अपने बैक को प्रिपेयर कर लिया। ये बन के बहुत अच्छा लगा था, और इसे आप किसी भी तरीके के आउटफिट के साथ में कैरी कर सकते हैं। इतने कलर्स हैं कि किसी ना किसी आउटफिट में आपकी मैच कर जाएगा ये। इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।